जहाँ तक कन्वेंशनों की बात है, माँ सिवाय एक आध छोड़ के बाकी तमाम हमारे कन्वेंशंस जो है बहुत ही कामयाब रहे। लोग आज नाराज हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तमाम वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इलेक्शन होंगे तो बढ़ चढ़ के लोग उसमें हिस्सा लेंगे। हमारे मतलब मेरे और मेरे साथियों की तो यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब वोट पड़ेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पड़ें, लेकिन इसी बात का डर बीजेपी को भी है। तभी तो जाके बलदियाती इलेक्शन भी कैंसिल हुए, पंचायत इलेक्शन भी कैंसिल हुए और असेंबली इलेक्शनों का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। कहीं पर नॉर्मलसी नहीं है। रजौरी में नॉर्मलसी थी, रजौरी को काफी हद तक हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल आजाद कर दिया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे दौरे हुकूमत में रजौरी जिले में इस तरह का कोई एनकाउंटर हुआ होगा। जब आप रजौरी की बात करते हो, जब आप पुकरनाथ की बात करते हो, जब आप नॉर्थ कश्मीर की बात करते हो, तो जगह जगह हमें इस तरह के एनकाउंटर जो हैं वो नजर आते हैं। दिन दहाड़े श्रीनगर में फायरिंग, आज भी हमारा एक बहादुर पुलिस का अफसर वो श्रीनगर में अस्पताल में अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है। जो भी आज नॉर्मलसी का दावा कर रहे हैं वो न सिर्फ अपने आप को धोखे में रख रहे हैं बल्कि मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। नॉर्मलसी है नहीं जम्मू कश्मीर में। जहाँ तक कन्वेंशनों की बात है, माँ सिवाय एक आध छोड़ के बाकी तमाम हमारे कन्वेंशंस जो हैं बहुत ही कामयाब रहे। लोग आज नाराज हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तमाम वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इलेक्शन होंगे तो बढ़ चढ़ के लोग उसमें हिस्सा लेंगे। हमारे मतलब मेरे और मेरे साथियों की तो यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब वोट पड़ेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पड़ें, लेकिन इसी बात का डर बीजेपी को भी है। तभी तो जाके बलदियाती इलेक्शन भी कैंसिल हुए, पंचायत इलेक्शन भी कैंसिल हुए और असेंबली इलेक्शनों का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता। कहीं पर नॉर्मलसी नहीं है। रजौरी में नॉर्मलसी थी, रजौरी को काफ़ी हद तक हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे दौरे हुकूमत में रजौरी जिले में इस तरह का कोई एनकाउंटर हुआ होगा। जब आप रजौरी की बात करते हो, जब आप पुकरनाथ की बात करते हो, जब आप नॉर्थ कश्मीर की बात करते हो, तो जगह जगह हमें इस तरह के एनकाउंटर जो हैं वो नजर आते हैं। दिन दहाड़े श्रीनगर में फायरिंग, आज भी हमारा एक बहादुर पुलिस का अफसर वो श्रीनगर में अस्पताल में अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है। जो भी आज नॉर्मलसी का दावा कर रहे हैं वो न सिर्फ अपने आप को धोखे में रख रहे हैं बल्कि मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। नॉर्मलसी है नहीं जम्मू कश्मीर में।